अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का, ये नंबर सिस्टम का आप कह लें या फिर आप इसको अलजेब्रा का भी कह सकते हैं। क्वेश्चन कहता है 70 to the power cube + 20 to the power cube - 90 to the power cube, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब क्या है कि हम इसको डायरेक्टली मैथमेटिकल उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप 70 का क्यूब निकालें, 20 का क्यूब और 90 के क्यूब निकाल के इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ 90, यहाँ देखिए 90 है और यहाँ क्या है 70 + 20 है, 70 + 20 यानी ये 70 + 20 क्या हो गया, 90 हो गया। तो आप क्या कीजिए, इस 90 को तोड़िए 70 और 20 के फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 70 to the power cube + 20 to the power cube - ये हो जाएगा हमारा, हम इसको लिख लें 70 + 20 to the power cube। अब आप जानते हो a + b to the power cube, इसका फॉर्मूला होता है आपका a³ + b³ + 3ab × a+b। अब आप क्या कीजिए कि इस फॉर्म में यहाँ पे इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 70 का पावर क्यूब + 20 का पावर क्यूब और ये -70 का पावर क्यूब + 20 का पावर क्यूब a³ + b³ + 3ab, 3 × a हो गया 70, b हो गया 20 और a+b यानी 70 + 20। ठीक है, अब देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो फिर क्या बच जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि -3 × ये हो गया 70 × 20 और ये क्या हो जाएगा × 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 × 20 = 21, 21 और 2 = 42। ठीक है, और 42 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, न दुनिया 18, कैरी आया 1 और न चौके 36 और 1 37। ठीक है, कितने जीरो आएंगे, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये माइनस थे, यानी आंसर क्या आ जाएगा, -378000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट।